स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। यहाँ पे TRE3 के रोस्टर को लेके एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट मैं लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल से। TRE3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में TRE1 एवं 2 की नियुक्तियों के होने के बाद रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या और बैकलॉग की गणना करते हुए TRE3 के लिए आवश्यक आरक्षण समाशोधन रोस्टर क्लियरेंस 3 दिनों यानी 22 अगस्त तक भेजे। रोस्टर क्लियरेंस जिला अधिकारियों से कराया जाना है। इसमें TRE1 एवं 2 के तहत उन रिक्तियों को भी जोड़ा जाना है जिसे मंत्रिपरिषद की तरफ से विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ यादव ने इस आशय की जानकारी सभी DEO से ईमेल पर मांगी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इससे पहले भेजे गए रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी। जिलों ने बगैर बैकलॉग की गणना के रोस्टर क्लियरेंस करा भेजा गया था। उन सभी रोस्टर क्लियरेंस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद एक बार फिर जिलावार और विषयवार रोस्टर क्लियरेंस करा कर भेजा। माध्यमिक निदेशक ने एक कोर्ट केस का हवाला देते हुए चिट्ठी में लिखा है कि TRE3 के तहत दोनों बार भेजी गई रोस्टर पंजी निरस्त समझी जाएगी। DEO को विशेष प्रपत्र भी भेजा गया है जिसमें जानकारी मांगी गई है। रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण प्रावधान के अनुरूप बनाया जाएगा। तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुल 38,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी TRE1 TRE2 में जो भी सीटें रिक्त रह गई है वो सब की गणना करके बोला गया है बताने के लिए। और तभी जो है मतलब कि 22 तक बोला गया है कि रोस्टर क्लियरेंस करके भेजें, यानी बैकलॉग सीटों को भी जोड़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट इस बार बहुत आएगा और रिज़ल्ट सबका होने की उम्मीद है जिनका कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल पर जरूर देखने सुनने को मिलेगा। हालांकि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, पर अब हमारे चैनल पर वीडियोस रेगुलर आएंगे जैसे आते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा।